हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ एग्जाम मंत्रा। मैं आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन की जो क्लासेस कंडक्ट करवा रहा था उसमें पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग देखो बेटा, देखते हैं पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में जो रिमेनिंग डायमेंशन हैं उनको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। इसके बाद भी अगर कुछ डायमेंशन हमारी बच जाती हैं तो मैं आपको जब चैप्टर आपका जब रनिंग में होगा तो उसी समय उनकी डायमेंशन और यूनिट के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं पार्ट थ्री में। पार्ट थ्री में आपका मैं सबसे पहला आज यहां से डायमेंशन जो स्टार्ट करता हूं, पावर तक आपका हो गया था। तो पावर के बाद हम लोग देखते हैं यहां पे कि हमारी नेक्स्ट यूनिट यहां पे आएगी अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ध्यान रखना, इसमें कभी कभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख के आता है, कभी कभी ये भी लिख के आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैसे एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही होता है। देखो, हम लोग न्यूटन्स का लॉ पढ़े थे कि जब M1 और M2 बॉडी कुछ डिस्टेंस पर रखी होती थी तो हम बोलते थे कि इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता था दोनों बॉडी के मास के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था बीच की डिस्टेंस के। तो यहां से जब हम लोग M1 को यदि M मान लें और M2 को यदि मैं ME मान लूं, इसका मतलब यदि एग्जैक्टली आप देखना चाहें तो ये देख लो कि ये मेरी अर्थ है, ठीक, ये मेरी अर्थ है और यहाँ एक बॉडी रखी है। तो इस अर्थ का मास यदि हम ME ले लें और इस बॉडी का मास m ले लें जो अर्थ पे रखी है, तो अर्थ के सेंटर से बॉडी तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। तो इसको ये भी लिख सकते हो कि m me और अपॉन में हम लोग क्या ले सकते हैं, r का स्क्वायर। अब देखो, फिजिक्स के लॉ से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यूनिवर्सल कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल जी। यही हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट था कैपिटल जी। ये हो जाएगा m ME अपॉन में हम लोग क्या लिखते थे, आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये तो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हो गया। अब यदि हमको एग्जाम में कैपिटल जी की यूनिट पूछी जाएगी तो हम बोलेंगे सर कैपिटल जी इक्वल टू हमारा क्या होता था, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में एम इंटू एम ई। एफ हमारा क्या है, न्यूटन। आई क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मीन ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, केजी, और इनटू केजी का हो जाएगा स्क्वायर। तो कैपिटल जी का यूनिट आप ये भी कह सकते हैं न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसकी कुछ वैल्यू भी होती है कैपिटल जी की, वो क्या होती है, 6.67 इनटू 10^-11। बाकी आपका यूनिट वही रहेगा न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो इस वैल्यू को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जरा देखते हैं कि सर इसकी अब डायमेंशन क्या होगी। तो जरा डायमेंशन देखो इसकी, हम कैपिटल जी की जब डायमेंशन देखते हैं तो न्यूटन में हमको पता है कि सर क्या होता है, फोर्स। फोर्स मींस ma, और ma का मतलब क्या होता था, ML^-2 इंटू में मीटर स्क्वायर है तो इंटू में L^2 कर दो। नीचे क्या है, केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर का मतलब मास है, तो मास मीन्स हम लोग क्या कर देंगे, एम स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा L^-1, L^3, 2 1 और 1 1। इसके बाद मेरा T^-2 था, L^-2 रहेगा। ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी इसकी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट की। ध्यान रखिएगा, कैपिटल जी की वैल्यू आपकी बहुत बार पूछी जाती है, 6.67। दूसरी चीज, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये वैल्यू कहीं चेंज नहीं होती है। जब आपको मैं ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां से ही अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन भी बताएंगे कैसे वो फाइंड आउट होगा। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट में यहाँ पे दूसरा देखता हूँ। एक यंग यूनिट हमसे बहुत फेमस यहाँ पे पूछी जाती है कि विस्कोसिटी की यूनिट बताइए। अब देखो, विस्कोसिटी की यूनिट बताएगा तो विस्कोसिटी होती है, तो एक विस्कोसिटी होती है म्यू और एक विस्कोसिटी होती है न्यू। अब दोनों को यहाँ पे हम समझ के चलेंगे।
कि सर दोनों विस्कोसिटी मान लीजिए एग्जाम में कोई नाम से आ गया तब क्या करेंगे? तो देखो विस्कोसिटी एक होती है डायनेमिक विस्कोसिटी, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट एंड डायमेंशन बताओ, और दूसरी होती है काइनेमैटिक विस्कोसिटी। एक हो गया हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी, एक होता है काइनेमैटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी वो विस्कोसिटी होती है जब बॉडी वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव करती है, मींस अपना प्लेस छोड़ जाती है। काइनेमैटिक विस्कोसिटी वो विस्कोसिटी होती है जब बॉडी अपनी एक ही पोजीशन पर लगातार कंटिन्यू मूव करती रहे, जैसे कि फैन, फैन अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है लेकिन उस पोजीशन के अराउंड हियर एंड देयर कंटिन्यू मूव करता रहता है। तो जरा आप देखते हैं बेटा, डायनेमिक विस्कोसिटी का सिंबल म्यू होता है, काइनेमिक विस्कोसिटी का सिंबल न्यू होता है। म्यू और न्यू पूछे दोनों जाते हैं, ना करना, इसी को श्यानता गुणांक भी हिंदी में कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि है क्या, तो अगर कोई पूछे विस्कोसिटी क्या है प्रैक्टिकली बताओ, तो विस्कोसिटी बता दो कि जब फ्लूइड की दो लेयर फ्लो करती हैं तो उनके बीच जो रेजिस्टिंग फोर्स लगता है उसे हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं, और उसी में एक कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। उस फ्लूइड की क्वालिटी होती है। ये फार्मूले की बात करोगे तो बोला जाएगा क्योंकि हमें पता है कि सब फ्लूइड होगा तो फ्लूइड एक दूसरे के ऊपर फ्लो करेगा, तो एक दूसरे के ऊपर फ्लो करेगा तो एक लेयर दूसरी लेयर का क्या करेगी, अपोज करेगी, तो इन्हीं के बीच जो शियर स्ट्रेस होती है टाउ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है du अपॉन dy। आप कहोगे सर du क्या होता है और dy क्या होता है, तो देखो भाई du और dy मैं बता दे रहा हूं यहां पे। ये मान लीजिए आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा था, तो dy जो होती है दो लेयर के बीच की डिस्टेंस होती है, फ्लूइड की दो लेयर के बीच की डिस्टेंस dy होती है। और du जो होता है, ये मान लीजिए आपकी u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, नीचे वाली u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो du क्या हो गया, u2 माइनस u1, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स। अब यहां देखिए जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक कांस्टेंट म्यू। यहां से ये क्या हो जाएगा, du अपॉन dy। अब हमको क्या करना है, म्यू का यूनिट निकालना है, तो म्यू इज इक्वल टू जरा देखो क्या हो जाएगा, टाउ इनटू में dy अपॉन में क्या हो जाएगा, du। अब टाउ का यूनिट हमको पता है कि सर ये तो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती थी, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर इनटू में dy, और dy कोई कुछ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में ये क्या हो जाएगा, मीटर। du क्या है, वेलोसिटी है, तो मीटर अपॉन सेकंड होगा। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, जरा आप ध्यान से देखना, इस मीटर स्क्वायर से इस मीटर को कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन इनटू सेकंड और अपॉन में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यही तुम्हारी डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। एक चीज कॉमन थिंग्स और याद रखना, ये एग्जाम में केवल विस्कोसिटी पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो आप यही बताएंगे न्यूटन इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको पॉइज भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इसको म्यू की यूनिट को यहाँ पॉइज भी कहा जाएगा, इसकी यूनिट को पॉइज भी कहा जाता है। चलिए जरा देखिए कि सर काइनेमैटिक विस्कोसिटी क्या है, तो काइनेमैटिक विस्कोसिटी की बात करें तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन रो। न्यू ये न्यू लिखा है, ये लिखा था ना, न्यू इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन रो, जो भी इसकी यूनिट है अपॉन में उसकी डेंसिटी का डिवाइड कर दो निकल आएगा। तो इसकी यूनिट क्या है, देखो भाई न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन में मीटर स्क्वायर था और रो है, तो डेंसिटी इक्वल टू नहीं याद आ रहा है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केजी अपॉन में क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू में हो जाएगा मीटर क्यूब, अपॉन में तुम्हारा हो जाएगा केजी, और इंटू में हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दो, तो आपकी ये यूनिट आ जाएगी न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन केजी, और इंटू में मीटर भी बना रहेगा। यदि आप इसकी डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो न्यूटन की हमको पता है एम एल टी की पावर माइनस टू होती है, सेकेंड की टी होती है, मीटर की एल होती है,
और केजी की बात करेंगे, एम होती है, एम से एम हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या जरा देखो, एम तो कैंसिल हो गया तो एम की पावर जीरो चाहो तो कर दो, और ये हमारा क्या हो जाएगा एल और ये हो जाएगा एल स्क्वायर और ये हो जाएगा टी की पावर माइनस वन। ये हमारी हो जाएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन। इस डायमेंशन को भी हम लोग जान देंगे, वैसे मोस्टली आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी की पूछी जाती है, ये नहीं आती है तो फिर आप इसमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी को भी लर्न करेंगे। ध्यान रखना इसमें आपको दोनों में कोई भी एग्जाम में आ सकता है, यदि कॉमन पूछे केवल विस्कोसिटी तो आप डायनेमिक विस्कोसिटी का यूज करिएगा, यहाँ पे हमने म्यू दे दिया है और म्यू की मैंने डायमेंशन नहीं लिखी है, डायमेंशन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लेंगे। न्यूटन में हमको पता है कि क्या होती है एम एल टी की पावर माइनस टू, सेकेंड में टी हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स। चाहिए लीजिएगा आप ना सॉल्व करके। चलो आगे देखते हैं कि इसके बाद हमारा और इसमें क्या कौन कौन सी डायमेंशन हैं जो मेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के बाद पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस थ्री।
इस तरीके से हमारा ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो जरा यहाँ पे, अब यहाँ तक हम लोग आए हैं तो देख लेते हैं जरा कि सर्फ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो रेजिस्टेंस देखो जरा, हम लोग पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता था, आई आर। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, और V हमारा क्या होता है वोल्ट, और I क्या होता था मेरा एम्पियर। तो R का यूनिट हो गया वोल्ट अपॉन एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या कहा जाता है, ओम। ध्यान रखना ये बहुत फेमस यूनिट है इसका, रेजिस्टेंस का। R का यूनिट हमारा क्या होता है, ओम। अब अगर हमें इसकी डायमेंशन निकालना है तो वोल्ट की डायमेंशन तो मैंने अभी आपको बता ही दी है, एम एल की पावर 2 ए इनवर्स टी की पावर माइनस 3। तो लिख लो एम एल स्क्वायर ए की पावर माइनस 1 और टी की पावर माइनस 3 अपॉन में हमारे पास एम्पियर है, इसका मतलब सर्क्यूलर एम्पियर, और इसी डिवाइड कर देंगे। इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर, और ए की पावर हो जाएगा माइनस 2 और टी की पावर हो जाएगा माइनस 3। ये आपकी डायमेंशन किसकी हो जाएगी, रेजिस्टेंस की। और देखो जरा इसके बाद एक यूनिट इसी के फ्लो में और आती है, कौन सी हमारी, रेजिस्टिविटी। इस चीज को देखो जरा, रेजिस्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रो। आर का फार्मूला आपको याद हो गया होगा, रो इंटू एल बाई ए। तो जब यहाँ से हम रो को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर इंटू ए अपॉन एल। R हमारा क्या होता था, ओम। A हमारा क्या है, एरिया है, एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, और L मीन्स हमारा मीटर। इस मीटर से इस मीटर को कैंसिल कर देना तो रो का यूनिट तभी लिखा भी जाता है ओम इंटू मीटर। और देख लो जरा ये जो ओम है, ओम का एक सिंबल भी आप लोग पढ़े होंगे, इसको भी याद रखिएगा, ये ओम सिंबल हमारा, ये लिख दो या सिंबल बना दो। तो ये हमारा क्या हो गया, ओम इंटू मीटर। अब देखो जरा, आप बोलोगे सर इसकी हमको क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए। तो डायमेंशन के लिए आर के भी आपने डायमेंशन लिखी है, ओम की, ओम की जो भी डायमेंशन लिखी है उसमें केवल एक एल का मल्टीप्लाई करा दो, आपकी रो की डायमेंशन निकल आएगी। तो ये देखो क्या आ जाएगा आपका, एम एल स्क्वायर ए की पावर माइनस 2 और t की पावर माइनस 3, और इसमें एक मीटर का मल्टीप्लाई कराना है, मीन्स l का मल्टीप्लाई कराना है इस तरीके से। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m l की पावर 3 a की पावर माइनस 2 और ये हमारा यहाँ से हो जाएगा t की पावर माइनस 3। ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी रेजिस्टिविटी की। अब देखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है रेजिस्टिविटी के बाद कंडक्टिविटी, और इसका एक फेमस यूनिट इसके बाद नेक्स्ट और है कंडक्टिविटी। तो देखो बेटा कंडक्टिविटी में क्या करते हैं, कंडक्टिविटी में करना आपको क्या होगा कि जो रेजिस्टिविटी है, इस रेजिस्टिविटी का जस्ट यदि आप अपोजिट कर देंगे तो आपकी निकल आएगी कंडक्टिविटी। देखो जरा भाई, रेजिस्टिविटी के बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक। अब कंडक्टिविटी की यदि बात करेंगे तो इसे लिखा जाता है हमारा यहाँ से, देखो कंडक्टिविटी का सिंबल अलग अलग लिखा जाता है, जैसे चालक जो कंडक्टेंस होता है उसको सिग्मा से लिखा जाता है, ठीक। तो इसमें अलग अलग इसके सिंबल्स होते हैं कंडक्टिविटी का, लेकिन ये होता है किसका अपोजिट है, वन अपॉन रो का। रेजिस्टिविटी का जस्ट अगर अपोजिट कर दोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी के सिंबल हमारे कई सारे हैं, इसमें कोई नया कंफ्यूज मत होना, बोल दो इसको सिग्मा में लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। तो हमको यहां से समझ में आ रहा है कि सर ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इनटू में क्या आ जाएगा, बीटा इनवर्स। तो इसका लिखा भी जाता है सीमेन इनटू मीटर इनवर्स, ये आप लिखा जाता है आपका सिग्मा, ठीक।
इसके बाद अगर आपसे एक पूछा जाए कि सर सीमन किसकी जगह लिखा जाता है, वो मीन की जगह, तो एक आपको और मिलेगा यहां से एग्जाम में, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस बेटा जो होता है ये होता है 1/R/1/ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस होता है रुकावट और कंडक्टेंस मींस फ्लो। तो रुकना का एग्जैक्ट उल्टा होता है चलना, सिंपल सी बात है। तो कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1/ρ। और इसको जब आप लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को ही मैंने ये क्या लिखा है, सीमेन। ये बहुत पूछा जाता है इसका सीमेन किसका यूनिट। अगर आप यहाँ से डायमेंशन की बात करें, देखो मैंने लिखा नहीं डायमेंशन, तो आप हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग डायमेंशन इसकी लिख लेंगे, क्योंकि हमको रो को अपोजिट करना था। तो इसकी अगर आपको डायमेंशन लिखनी भी है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, एम की पावर -1, एल की पावर -3, ए की पावर 2 और पी की पावर हो जाएगा 3। हमको तो साइन करना था। और इसमें क्या होगा, इसमें हमें जो भी डायमेंशन मिली ये लिखी है, इसका एडजस्ट अपोजिट कर देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम इनवर्स एल की पावर -2, ए की पावर +2 और टी की पावर +3। इस तरीके से कंडक्टेंस की डायमेंशन हो जाएगी। तो कई सारे डायमेंशन हैं, यूनिट हैं, जो मैं आपको कॉन्टिन्यू डिस्कस करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।